वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम देखेंगे सर्च एंड सीजर का प्रोविज़न, और जो आपको ये स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं दिस इज ऑफ आईसीआई स्टडी मैट, बट मैं इसमें सर्च एंड सीजर खोल के नहीं बैठने वाली हूँ। एज आई ऑलवेज से कि ये एक रिविजनरी क्लास है, मैं कुछ भी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ने वाली हूँ। आज सर्च एंड सीजर का रिविज़न हम एक डिफरेंट वे में करेंगे, जहाँ पे ना मेरे पास नोट्स खुला होगा ना आपके पास नोट्स खुला होगा। एक छोटी सी क्लास होगी है, आप सिर्फ एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी, आप उसको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एंड देन उसके बाद आप घर जाके उस स्टोरी को अपने बुक से पढ़ेंगे। आपको कहीं पे भी लैकिंग नहीं दिखेगी कि कहाँ पे जो मैंने स्टोरी सुनाई और जो आपने बुक में पढ़ा उस स्टोरी में कहीं भी एक लाइन की कोई लैकिंग नहीं होगी। तो आज अभी आप सिर्फ चुपचाप से आने वाले कुछ मिनटों तक ये मेरी कहानी जो सर्च एंड सीजर की है उसको सुनिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं सर्च एंड सीजर सेक्शन 132। जैसे अगर एओ है उसको अगर सर्च एंड सीजर करने का मन है तो क्या वो एक दिन उठा और उठ के चला गया सर्च एंड सीजर करने? नहीं, सर्च एंड सीजर एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट होते हैं इस सेक्शन में असेसिंग ऑफिसर को। तो इस सेक्शन को यूज करने से पहले ये लॉ बनाया गया कि सबसे पहले आप ऑथोराइजेशन ले लेना सर्च एंड सीजर के लिए कि मैं इस आदमी के घर पर जा रहा हूँ सर्च एंड सीजर करने। तो जिससे ऑथोराइजेशन लिया जाता है ना वो होते हैं डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर चीफ कमिश्नर या कमिश्नर। ये लोग जो हैं सर्च एंड सीजर का ऑथराइजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर सीबीडीटी ने उनको इम्पावर किया है तो। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहला हमने कहानी का जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि आपको सर्च एंड सीजर करने के लिए ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी। ऑथोराइजेशन कौन दे सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी कहानी के दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कहानी का दूसरा पॉइंट है जो हमारा ये है कि सर्च एंड सीजर क्या असेसिंग ऑफिसर बैठा है और बैठ के वो लॉटरी खेल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, चलो जी से आ गया अब जी वाले किसी नाम के घर पे चलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लॉटरी खेल के नहीं जाते, आर्बिट्रेरी मैनर में कुछ नहीं होता है। कुछ कंडीशंस हैं, कहीं पे वायोलेशन होती है एसएससी के द्वारा, तब जाके सर्च एंड सीजर का प्रोविज़न उठ के आता है। मान लो आपको समन किया गया, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर आपके ऊपर समन आया है, सेक्शन 131 में नोटिस आई है, तो आपको जाके समन करने के बाद से कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। आपको जब बुलाया जाएगा तब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। बट अगर आपने उस समन का रिप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो सकते हैं। आपने 142(1) का नोटिस आपके ऊपर इशू हुआ, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास कुछ पैसे हैं, ज्वेलरी है या फिर मनी है और आपके पोजीशन में है बट आपने उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो भी आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो सकता है। अब ये बात देखने वाली होगी कि ये असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलती है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट मैंने अभी दूसरे पॉइंट में, कहानी के दूसरे पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि सर्च एंड सीजर कब हो सकता है। पहला तो आपने समन का रिप्लाई नहीं दिया, दूसरा जो है अगर आपने 142(1) का नोटिस आपके ऊपर इशू हुआ आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तीसरा अगर आपके ओनरशिप में कुछ ऐसी ज्वेलरी बुलियंस वगैरह हैं जिसको आपने डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो भी आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो सकता है। अब जब मैंने आपको 147 पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि आपको अपने नोटिस में ये स्टेट करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर को ये बताना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर, बताइए कि हम आपके ऊपर 148 का नोटिस क्यों ना इशू करें, मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है, उसे रीज़न स्टेट करना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि आपके इनकम ने एस्केप किया है। वो बताएगा कि आपके 3 शोरूम हैं, आप अपने रिटर्न में जो है सिर्फ 2 शोरूम का इनकम दिखा रहे हो, इसलिए हम इस तीसरे वाले शोरूम का, हमें पता चला है कि ये भी आपका शोरूम है और आप नहीं दिखा रहे हो, तो दिस इज़ अ केस ऑफ इनकम स्कीपिंग असेसमेंट। बट सर्च एंड सीजर होगा तो इसमें इतनी एक्सटेंसिव पावर है कि आपको असेसिंग ऑफिसर इज़ नॉट लायबल टू डिस्क्लोज द रीज़न कि आपके ऊपर क्यों सर्च एंड सीजर किया जा रहा है। सो ये होता है हमारा दूसरा पार्ट। अब हम अपने तीसरे पार्ट पे आते हैं। अब कहानी के तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरे पार्ट की कहानी ये है कि मैंने आपको बता दिया कि कौन ऑथोराइज़ कर सकता है और कब हो सकता है। मान लो दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो गई, अब असेसिंग ऑफिसर को जो है सर्च एंड सीजर करने जाना है। वो वहाँ पे प्लेस पे पहुँचता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, अब इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला जो राइट है वो ये है कि वो एंटर कर सकता है और किसी बिल्डिंग, प्लेस, एयरक्राफ्ट हो या व्हीकल हो या फिर कुछ भी हो, जहाँ पे उसे रीज़न टू बिलीव हो कि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट या पैसे या कुछ भी रखे हुए हैं, तो वो वहाँ पे अंदर जाके एंटर करके उसे सर्च कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, अगर वहाँ पे वो गया, मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो वो उस लॉक को ब्रेक कर सकता है, किसी डोर को, किसी सेफ को, किसी अलमीरा को लॉक ब्रेक करके ओपन कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि मान लो कि प्रीमाइसेस के अंदर
असिस्टिंग ऑफिसर एंटर करता है तो हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही हों, या हो सकता है सर्च चल रहा हो तभी कुछ लोग आए हों, या फिर कुछ लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हों। तो किसी भी पर्सन को वो रोक सकता है और रोक करके उसे सर्च कर सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है जो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, हो सकता है ये अपने पास किसी कोई डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन या ज्वेलरी जो है छुपा के लेके जा रहा हो या आ रहा हो। चौथा पॉइंट है कि मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो हर किसी के आजकल तो पेपर फॉर्म में होते नहीं है, कंप्यूटराइज फॉर्म में होते हैं और वो सबके पास अथॉरिटी होती नहीं है। तो जिस पर्सन के पास भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके पास जाके वो बोल सकता है कि आप इसे खोलिए, इसका पासवर्ड मुझे दीजिए, ये भी राइट दिया हुआ है। इसके अलावा सीज कर सकता है वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी मनी, बुलियन या ज्वेलरी या कोई अदर आर्टिकल, वैल्यूएबल आर्टिकल अगर उसे दिखता है तो वो उसे सीज भी कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखने का है कि मैंने कहा कि मनी, बुलियन, ज्वेलरी, कोई डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, इन सबको वो सीज कर सकता है, बट स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं किया जाता है। क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड का उसको सीज करने का मतलब हो गया कि आप बिजनेस ही बंद करवा रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट हार जाए, तो अभी हम बिजनेस नहीं बंद करवा सकते ना, तो स्टॉक इन ट्रेड कैन नॉट बी सीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा राइट, अभी हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट है तो वहाँ पे उसे कुछ लगा कि इस पेज नंबर पे या फिर ये वाली एंट्री, तो वहाँ पे वो कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकता है या फिर उसकी कॉपी निकलवा सकता है, कॉपी करा के ले सकता है। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा पार का, हम लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट है कि वो इन्वेंट्री बना सकता है, मनी, बुलियन या ज्वेलरी या फिर अदर वैल्यूएबल आइटम जितने भी हैं वो उसका एक नोट, इन्वेंट्री बनाना मतलब कि एक नोट बना सकता है कि मैंने इतने की ज्वेलरी देखी थी, इतना उसका वेट था, इतने का बुलियन था, इतने पैसे थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम इस कहानी का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, ऑथोराइज कौन कर सकता है पहले पार्ट में था, दूसरे पार्ट में है कि सर्च एंड सीजर कैसे, क्या आर्बिट्रेरी मैनर में होता है, बैठे बैठे हम कोई लकी ड्रॉ निकालते हैं, नहीं, कुछ कंडीशंस होते हैं। और तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि अंदर आने के बाद से मतलब सर्च एंड सीजर में क्या क्या पावर मिले हुए हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव सीजर, ये होता क्या है। मान लो कि कोई ऐसा, मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट है या फिर जो सर्वर है, सर्वर को तो उठा के वो अपने साथ लेके जा नहीं सकते। मैंने कहा आपको कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर को जो है ये पार है कि वो सीज कर सकते हैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी या अदर कोई वैल्यूएबल आइटम दिखता है। अब सर्वर है, सर्वर को उन्हें लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा अकाउंट्स में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है इधर से उधर हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो उसका कॉपी भी नहीं बना सकता, कॉपी करना मुझे अलाउड है बट सर्वर का तो कॉपी भी मैं नहीं बना सकता और ना ही सर्वर को मैं उठा के लेके अपने पास जा सकता हूँ, इसको सीज कर सकता हूँ। तो डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव सीजर ये बोलता है कि अगर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है ड्यू टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वॉल्यूम हो गया, ये वेट हो गया या फिर कोई अगर डेंजरस नेचर की ही चीज़ें हैं कि उन चीज़ों को हम सीज कर सकें, तो उन आइटम के लिए वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं कि ये जो सर्वर पड़ा हुआ है इस सर्वर को ना ही तो कोई टच करेगा, ना ही कोई इसे कहीं पे रिमूव करेगा, ना ही इसे किसी प्रकार की कोई डीलिंग होगी जब तक मेरी परमिशन के इस सर्वर के साथ कुछ नहीं होगा। और इसको ऐसा माना जाएगा कि जैसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपके प्रीमाइसिस में है, SSC के प्रीमाइसिस में है, स्टिल ऐसा माना जाएगा कि डिपार्टमेंट ने इसे सीज कर लिया है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट है जो कि बोलता है ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन का। मैंने आपको अभी बताया कि कुछ फिजिकल वॉल्यूम, वेट या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अगर आप कोई चीज़ जो है जो आप सीज करना चाहते हैं बट आप उसे उठा के अपने घर नहीं ले पा रहे हैं, मतलब असेसिंग ऑफिसर जो है अपने होल्ड में, अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहे ड्यू टू द वॉल्यूम, वेट या फिर नेचर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। बट अगर इसके अलावा अगर कोई और प्रैक्टिकेबल रीज़न निकल के आता है कि इस चीज़ की वजह से जो है हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट को या फिर ये डॉक्यूमेंट को या फिर कोई भी ये चीज़ को जो है हम सीज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर भी, उस पर्टिकुलर थिंग पे भी, उस पर्टिकुलर चीज़ पे भी असेसिंग ऑफिसर जो है ये बोल सकता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे, इसे डील नहीं करेंगे और इसको सीजर ऐसा माना जाएगा जैसे कि इसे सीज कर लिया गया है। बट वो जो होता है मैक्सिमम 60 डेज तक सीजर, जो पीरियड ऑफ सीजर होता है ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन में वो 60 डेज का होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसके बाद से आपका सर्च एंड सीजर को ना फिर से देखने की जरूरत ना पड़े। आप यहाँ से सुन के जाइए और आप एक बार सिर्फ अपनी बुक को पढ़िए, उसके बाद से आपको ये कहानी याद है। कहानी का पहला पार्ट था हमारा कि ऑथोराइज कौन कर सकता है, दूसरा पार्ट था कि आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं होता, 3 कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन में कोई फुलफिल हो रही है तो फिर आपका सर्च एंड सीजर हो सकता है, तीसरा पार्ट है हमारा कि अगर सर्च एंड सीजर करने एओ जा रहा है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी है वो जा रहा है तो उसको जो है क्या क्या पावर मिले हुए हैं, चौथा पार्ट में मैंने आपको बताया कि डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव सीजर क्या होता है, पांचवें पार्ट में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जैसे मान लो कि सर्च एंड सीजर होता है, तो मैं अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, तो आपने देखा होगा ना आपके पर्टिकुलर प्लेस के इनकम टैक्स ऑफिसर अलग होते हैं, दूसरी जगह के अलग होते हैं। अगर आप दिल्ली में भी काम करते हैं और आपका अगर गुड़गांव का क्लाइंट है, तो आपके गुड़गांव के किसी क्लाइंट के इनकम टैक्स का कोई केस लगता है तो आपको गुड़गांव वाले ऑफिस में जाना पड़ता है, आप दिल्ली वाले ऑफिस में नहीं जा सकते। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि ज्यूरिडिक्शन वाइज, ये तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, ज्यूरिडिक्शन वाइज ऑफिसर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लो कि मुझे सर्च एंड सीजर करना है, ठीक है। अब एओ को ये लगा कि सर्च एंड सीजर करना है, बट उसका किसी रीजन से उसका ज्यूरिडिक्शन का सीसीआईटी या सीआईटी जो है, सीसीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इन लोगों को पावर होती है देने की ना सर्च एंड सीजर की अथॉरिटी। तो मान लो वो अवेलेबल नहीं है या नहीं हो पा रहा है, छुट्टी पे है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो नॉन ज्यूरिडिक्शन मतलब कि अगर मुझे गुड़गांव में करना है और गुड़गांव वाला नहीं है, गुड़गांव वाला सीसीआईटी नहीं है, तो मैं दिल्ली वाले सीसीआईटी से भी परमिशन लेके जा सकता हूँ। आगे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मुझे गुड़गांव में करना था और मैं दिल्ली वाले से परमिशन लेके जा रहा हूँ, तो मुझे ये ज़रूरी भी नहीं है कि आगे चल के अगर कोई केस हो तो मैं बताऊँ कि भाई मैंने गुड़गांव वाले से नहीं लिया, क्यों मैंने दिल्ली वाले से लिया। ये किसी मुझे अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर किसी और पर्सन को डिस्क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने हाई पावर दिए गए हैं इस सेक्शन में, सर्च एंड सीजर वाले केस में। बढ़ते हैं अपने डिस्कशन के अगले पार्ट पे। मैंने आपको कहानी के चार पार्ट आपको बता दिए हैं, पांचवे पार्ट पे आते हैं। पांचवा पार्ट जो है वो हमारा ये बोलता है कि मान लो सर्च एंड सीजर करने गए तो कुछ हम प्रिजम्पशन मानेंगे इस सर्च एंड सीजर में। और प्रिजम्पशन क्या है कि मान लो कि मैं मिस्टर ए के प्लेस पे जा रही हूँ सर्च एंड सीजर करने, तो वहाँ पे जो भी आइटम मुझे मिलेगा, कुछ भी सामान मिले, मैं ऐसा मानूंगी कि वो मिस्टर ए का ही है, चाहे वो मिस्टर ए का ना हो। मिस्टर ए मुझे कितना भी परसुएट करने की कोशिश करे कि ये मेरा नहीं है, स्टिल आई विल प्रिज्यूम कि ये मिस्टर ए का सामान है। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे मिलता है, मिस्टर ए बोले कि नहीं ये मेरा नहीं है, स्टिल आई प्रिज्यूम कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट मिस्टर ए का ही है। दो पॉइंट हो गया आपका, कोई आइटम को आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि बिलोंग टू दैट सच पर्सन, और कोई बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स को आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि दैट बिलोंग टू दैट पर्सन मिस्टर ए, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज़ ट्रू, 100% ट्रू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिजम्पशन। अगर सर्च एंड सीजर होता है तो कुछ चीज़ों को लॉ में बताया गया है कि हम प्रिज्यूम करेंगे। जैसे मैं मिस्टर ए के प्लेस पे अगर जाती हूँ सर्च एंड सीजर करने, तो वहाँ पे जितना भी आइटम मुझे मिलता है मैं मानूंगी कि ये मिस्टर ए का है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना भी मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलता है या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मिलता है, मुझे मैं ये मानूंगी कि 100% ट्रू है एंड ये 100% मिस्टर ए को बिलोंग करता है। तीसरा पॉइंट, अगर मुझे प्लेन सिग्नेचर मिलता है जहाँ पे कुछ अमाउंट वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है, अगर मुझे सिर्फ प्लेन सिग्नेचर भी मिलता है तो उसको भी मैं ये मानूंगी कि ये मिस्टर ए को पर्टेन करता है। अच्छा, और एक बात और, जैसे मैंने ये आपको प्रिजम्पशन बताया, तो ये प्रिजम्पशन जो है ये 133A और 132A सेक्शन में भी जो है सेम ही प्रिजम्पशन हम मानते हैं। अगर 133A और 132 जस्ट इसके पिछले वाला जो क्लास है ना उसमें मैंने इसे बताया है, तो आप जाके एक बार वो देख लेना, 133 एंड 132A। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अब इसमें क्या होता है, देखो आपको कितने दिन तक, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास पावर होता है कि आप सीज कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट या कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो आप 30 डेज तक जो है आपने जो सीज किया उस बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने पास रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको रखना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीआईटी से या फिर सीसीआईटी से। सीआईटी मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीसीआईटी मींस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब दूसरी एक बात बताती हूँ, मान लो कि मिस्टर ए के घर में जो है सर्च एंड सीजर हुआ। अब मैंने प्रिजम्पशन की बात तो हो गई, मैंने आपको प्रिजम्पशन की बात बता रखी है कि जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट मिलेगा हम उसमें कुछ अदर पार्टीज़ की नहीं सुनेंगे, हम मानेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मिस्टर ए का ही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रू है। बट ये भी तो हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी कि नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट वहाँ पे जो चार बुक्स ऑफ अकाउंट मिले थे ना उसमें एक जो है वो मिस्टर सी का था, पॉसिबल है। तो प्रिजम्पशन के लिए लॉ ने काफ़ी फेवर किया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सर्च एंड सीजर में डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बहुत ही फेवरेबल बनाया गया है इस चीज़ के लिए, तो इसलिए उन्होंने पहले प्रिज्यूम करा दिया। बट यहाँ पे वो एक और केस लेके आया कि मान लो थोड़ा सा भी मान लो कि कहीं पे एक चांस दिखता है आपको कि ये मिस्टर ए का नहीं मिस्टर सी का है। अब आपको पता चल गया कि मिस्टर सी का है, अब देखो दो लोगों को लपेटे में लिया जाएगा, मिस्टर ए एंड मिस्टर सी बोथ। अब मिस्टर ए का नहीं था, वो मिस्टर सी का था। अब मिस्टर ए जो है वो गुड़गांव में रहते हैं, मिस्टर सी जो है वो दिल्ली में रहते हैं,
तो मिस्टर ए का जो गुड़गांव वाला, मान लो गुड़गांव वाला जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर था, उसने सर्च एंड सीजर किया. अब उसे दिखा कि ये तो मिस्टर सी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो वो दिल्ली वाले ऑथोराइज्ड ऑफिसर को वो बुक्स ऑफ अकाउंट विद इन 60 डेज, जब सर्च एंड सीजर हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उस ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को जो है ट्रांसफ़र कर देगा. और अब ऐसा माना जाएगा कि मिस्टर सी पे भी सर्च एंड सीजर हुआ है और सारी प्रोविज़न लग जाएंगे. देखो इतना फेवरेबल लॉ बनाया गया है फॉर इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और होना भी चाहिए. जब सर्च एंड सीजर का केस होता है तो ये कोई वैसे ही नहीं होता, बहुत ही कम. आपका स्क्रूटनी 5% निकल के आती है, जितना भी रिटर्न फाइल होता है उसका 5% इज़ ओनली कवर फॉर स्क्रूटनी. तो सोचो सर्च एंड सीजर कितना कम होता होगा, और जो लोगों के ऊपर सर्च एंड सीजर हो रहा है हाई पॉसिबिलिटी कि वो सच में डिफॉल्टर हों, तो इसलिए काफ़ी फेवरेबल लॉ बनाए गए हैं. तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में. पहला हमारा पॉइंट ये बोलता है कि आप रिटेन कर सकते हैं 30 डेज तक, उसके आगे अगर आपको रिटेन करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा CCIT SCIT से. दूसरा बोल रहा है कि अगर नॉन ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट है, जैसे मेरे एग्जांपल में, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैं हूँ गुड़गांव की ऑफिसर और मैं मिस्टर ए पे मैंने सर्च एंड सीजर किया, मुझे लगा कि यार ये बुक्स ऑफ अकाउंट तो सी का है, मैं तो, मेरा जो ज्यूरिडिक्शन है वो तो गुड़गांव है, तो मैं क्या करूँगी, और मिस्टर सी जो है वो दिल्ली के हैं, मैं विद इन 60 डेज, सर्च कंप्लीट होने के 60 डेज के अंदर अंदर मैं वो मिस्टर सी का बुक्स ऑफ अकाउंट दिल्ली वाले ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर को भेज दूंगी. बुक्स ऑफ अकाउंट का दूसरा पॉइंट ये था. अब आगे जो है हम प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करते हैं. देखो प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविज़न क्या है कि मान लो कि सर्च हो रहा है और ऐसा लग रहा है, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा कि यार अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करता हूँ और अगर छोड़ के चला जाऊँगा तो दैट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये कहीं लेके भाग जाएगा या फिर ये कुछ कर देगा, तो वो क्या कर सकता है, उसको एक पावर दी गई है कि जनरल या डायरेक्टर का प्रायर अप्रूवल लेके वो किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है. दूसरा पॉइंट है कि ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ ना, जिस दिन से प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास हुआ, क्योंकि पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा ना डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर का, तब तो प्रोविजनल अटैचमेंट होगी, तो जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ कि हम आपका प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं, उसके 6 महीने के अंदर, मतलब जो टाइम पीरियड होता है प्रोविजनली अटैचमेंट का वो 6 मंथ होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट इज पास्ड. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास एक और राइट ये दिया गया है कि मान लो मुझे इस प्रॉपर्टी पे डाउट हो रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ये प्रॉपर्टी जो है मैंने प्रोविजनली अटैच किया या नहीं किया, ये प्रॉपर्टी जो है 50 लाख की दिख रही है बट एक्चुअली में ये तो 150 लाख से भी ज़्यादा है, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है कि आप मुझे इसका वैल्यूएशन निकाल के दीजिए, और वैल्यूएशन ऑफिसर को जो है रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रेफरेंस, जिस दिन रेफरेंस मिला ऑफिसर से, वैल्यूएशन ऑफिसर को, कि आप मुझे इसका वैल्यू निकाल के दीजिए, उसके 60 डेज के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल के देनी होती है. अब एक और ये सेक्शन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सेक्शन, वैसे तो सर्च एंड सीजर का सेक्शन है वो 132 है, बट एक सेक्शन है 132A जो बोलता है पावर ऑफ रिक्विजिशन के बारे में. अब ये रिक्विजिशन के बारे में क्या बोलता है, मान लो कि जो यहाँ पे सर्च एंड सीजर हो रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर वाले आ गए आपके घर और सीज कर लिया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, बट मान लो कि आपका सर्च एंड सीजर जो है वो किसी और सेक्शन, किसी और लॉ में भी तो हो सकता है, एक्साइज में हो सकता है, फेमा में हो सकता है, किसी भी लॉ में हो सकता है, तो अगर किसी अदर लॉ में हुआ है सर्च एंड सीजर और उस वहाँ पे होने के बाद से भी, क्योंकि वहाँ पे सर्च एंड सीजर, मान लो फेमा में सर्च एंड सीजर हुआ, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट वो ऑब्वियसली सीज करके लेके गए होंगे या कॉपी बना के लेकर के गए होंगे, जो भी वहाँ पे उनको जो पावर दी गई है उसका तो उन्होंने यूज़ किया होगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो होगा ही. तो अगर यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर को ऐसा लगा कि यार ये सर्च एंड सीजर फेमा में तो हुआ है बट अगर हम सर्च एंड सीजर इस एसएससी पे अंडर इनकम टैक्स करें ना, तो भी इसका बहुत सारी चीज़ें जो है पकड़ी जाएंगी और ये तो फ्रॉडिंग एसएससी है, तो अगर उसको ऐसा लगता है, तो मैंने आपको कहा कि सर्च एंड सीजर सिर्फ बैठे बैठे नहीं हो जाता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगा और वो चला गया, नहीं, आपको सर्च एंड सीजर की परमिशन लेनी होती है. तो यहाँ पे भी अगर किसी अदर एक्ट में हुआ है, मान लो फेमा में हुआ है, और एओ को ऐसा लगा कि यार ये सर्च एंड सीजर इस मिस्टर ए का ही एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए के ऊपर फेमा में सर्च एंड सीजर हुआ और यहाँ पे इनकम टैक्स की ऑफिसर हूँ, मुझे ऐसा लगा कि यार ये इनकम टैक्स का सर्च एंड सीजर भी मिस्टर ए पे होना चाहिए बट बुक्स ऑफ अकाउंट, बुलियन, ज्वेलरी वगैरह तो सब वो लेके चले गए, फेमा वाले लेके चले गए. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर CCIT या CIT, यही 4 लोग मैंने आपको बताए थे कि यहाँ से आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है सर्च एंड सीजर के लिए, तो मैं इन लोगों को जाऊँगी और ऑथराइजेशन लूँगी और इनसे बोलूँगी कि देखो जी
इनका सर्च एंड सीजर ऑलरेडी फेमा में हुआ है, हमें लगता है कि हम इनकम टैक्स वाले हैं, हमें भी इन पे सर्च एंड सीजर करना चाहिए, तो ये चारों में से कोई भी जो है मुझे ऑथराइजेशन दे देगा और इस ऑथराइजेशन के बाद से मैं जाके फेमा डिपार्टमेंट से उनका बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें लग रही हैं, या तो मैं नोट बना लूँ या फिर ले करके आ जाऊँ उनका अगर कंप्लीट हो गया है तो। मान लो कि मैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट को लेकर के आ गई, अब जब मुझे परमिशन मिल गई है तो मैं ऑफिसर से, फेमा के ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे दे दे। तो अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे पास आ गया ना, तो ऐसा माना जाएगा कि सर्च एंड सीजर जो है वो इनकम टैक्स में भी हो गया है और 132 के सारे प्रोविज़न जो है अप्लाई हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 132B विच डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड एसेट। मान लो कि मैंने आपको बताया कि अथॉरिटी के पास, एसेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि वो एसेट को सीज़ कर सकता है। अब वो एसेट को सीज़ किया तो यहाँ पे उस सीज्ड एसेट के लिए कुछ एप्लीकेशन की भी बात की गई है। ये बोला गया है कि जो आपने एसेट सीज किया आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को। मान लो कि वो डिफॉल्टर है, उसने कुछ इनकम टैक्स में गड़बड़ी की है, तभी तो उसके ऊपर सर्च एंड सीजर हुआ है, मतलब कि इनकम टैक्स की कुछ लायबिलिटी निकल के आ रही होगी, तो उस सीज्ड एसेट को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को आप पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स उसमें नहीं कवर होता है। दूसरा पॉइंट है कि मैंने आपको एडवांस टैक्स के बारे में बता दिया कि एडवांस टैक्स एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता है। तो मैंने कहा कि दो चीज़ें आप रिकवर कर सकते हो। मान लो कि उसके ऊपर 147 रीअसेसमेंट का केस खुला, उसका रीअसेसमेंट हो रहा है। अब रीअसेसमेंट में जितनी लायबिलिटी निकल के आ रही है ना, उस लायबिलिटी को आप उस एसेट उस लायबिलिटी के लिए आप उस एसेट को यूज़ कर लो, या फिर जिस ईयर में, मान लो 22-23 में सर्च एंड सीजर हुआ, तो 22-23 की जो भी लायबिलिटी निकल के आ रही है वो उस लायबिलिटी के लिए आप उस एसेट को यूज़ कर लो। तो ये दो चीज़ों के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ एसेट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो कि मैंने एप्लीकेशन ऑफ एसेट कर लिया और उसके बाद से मेरा 80% एसेट यूटिलाइज हो गया, अभी भी एसएससी का 20% एसेट बचा हुआ है। मान लो 20 लाख रुपए का एसेट अभी भी बचा हुआ है रेवेन्यू अथॉरिटी के पास, और अगर विद इन 30 डेज, और 30 डेज कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जिस मंथ में सर्च एंड सीजर हुआ ना उस मंथ के एंड में चले आओ, मतलब मई में अगर सर्च एंड सीजर हुआ तो आप मई के एंड में आओ और वहाँ से 30 दिन काउंट करो, मतलब कि जून 30th तक अगर आप एक एप्लीकेशन देते हो ऑफिसर के पास, कंसर्न्ड ऑफिसर जो है उनके पास अगर आप एक एप्लीकेशन देते हो और आप ये बता देते हो कि ये जो 20% 20 लाख का एसेट है ना, इसको आपने, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपने इसे कैसे एक्वायर किया था, तो फिर आपका वो 20% जो एसेट है, 20 लाख का जो एसेट है, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा आपके फेवर में। क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटी का जो अपना मेन मकसद था कि मेरी लायबिलिटी, आप डिफॉल्टर बन रहे थे या फिर आपने कुछ कंप्लाई नहीं किया था, उनकी जो लायबिलिटी निकल के आ रही थी वो तो अब उनको मिल गई। तो अगर आप रिमेनिंग पोर्शन के लिए अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो कि ये पैसे मैंने ऐसे कमाए हैं, तो फिर हम उसको आपको लौटा देंगे। और इसके लिए भी ना एक टाइम पीरियड है, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस मंथ में सर्च एंड सीजर हुआ उसके लास्ट में आ जाओ और वहाँ से 30 दिन काउंट करो, उस 30 दिन के अंदर एसएससी को जो है अपना एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन के बाद से उसे बोलना पड़ेगा कि भाई ये मैंने एसेट ऐसे एक्वायर किया। अब एसेट को रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर जिम्मा आ गया कि उनको जो है एसेट को रिटर्न करना है, तो उस रिटर्न का भी एक टाइम पीरियड है कि रिटर्न जो होना चाहिए विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सर्च वॉच कम्प्लीटेड। जिस दिन सर्च कम्प्लीट हुआ उसके 120 दिनों के अंदर ये दो चीज़ें, ये दो प्रोसेस कम्प्लीट हो जाना चाहिए। पहला प्रोसेस ये कि एसएससी ने आपको 30 दिनों के अंदर आके, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सर्च वॉच कम्प्लीटेड, वहाँ से 30 दिन के अंदर आके आपको एसएससी ने एक्सप्लेन कर दिया, और जहाँ पे जब सर्च हुआ वहाँ से 120 दिन के अंदर जो है आपने उस एसेट को, अगर आपको सही लगा, रीज़न वैलिड लगा कि हाँ ऐसे एक्वायर किया है, ये बात सच है, तो आप 120 दिन के अंदर जो है उस एसेट को वापस कर दोगे। और दूसरा जो है बहुत ही छोटा पॉइंट है, अगर एसेट के साथ साथ कुछ मनी भी सीज हुआ है तो सबसे पहले आप मनी को यूटिलाइज़ करोगे, और अगर मनी शॉर्टफॉल हो जाता है तो फिर आप एसेट को यूटिलाइज़ करोगे। अच्छा देखो, अब एक ना सेक्शन है 292CC। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने आपको बोला था, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जब आप सर्च एंड सीजर करने जाते हैं तो आपको डायरेक्टर जनरल, मैंने चार लोगों को बताया था, CCIT से, डायरेक्टर जनरल से, आपको जो है क्या करना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है कि भाई हम इनके यहाँ सर्च एंड सीजर करने जा रहे हैं। ये बात तो आपको याद होगी। अब ये बात को याद करके मान लो कि मैं ऑथराइजेशन लेने गई, मैंने चार लोगों का नाम बोला कि मैं ABCD के यहाँ सर्च एंड सीजर करने जा रही हूँ। अब ऑथराइजेशन लेटर में जो है ABCD चारों का नाम आ गया,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज जो है, ये जो मैं सर्च एंड सीजर कर रही हूँ, ये किसी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे कर रही हूँ, नहीं, मैं ये चार इंडिविजुअल लोगों पे सर्च एंड सीजर कर रही हूँ, चार इंडिविजुअल लोगों पे चार अलग अलग तरह से 132 सेक्शन में अप्लाई करूँगी, जस्ट बिकॉज ऑथोराइजेशन में चारों लोगों का नाम साथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सर्च एंड सीजर हो रहा है वो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे हो रहा है। तो एक केस ऐसा आया था, उसके बाद से एक सेक्शन इंसर्ट हो गया 292CC, ऑथोराइजेशन एंड असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा सिंपल सा सेक्शन था। तो ये था हमारा पूरा सर्च एंड सीजर का स्टोरी, सर्च एंड सीजर वाली स्टोरी। मैंने आपको कहा था कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कुछ भी नहीं देखना है, एक छोटी सी क्लास जाएगी आपकी, मुझे पता नहीं है कितने मिनट की हुई है, 10 या 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं हुई होगी। तो ये छोटी सी क्लास में हम सिर्फ सर्च एंड सीजर का पूरा प्रोविजो हमने प्रोविज़न जो है हमने डिस्कस कर लिया, और एक स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस किया। आपको कुछ नहीं करना है, ये 10-15 मिनट की बातों को ध्यान से सुनना है, एक स्टोरी को सुनना है। मैंने बार बार चीज़ें रिपीट की हैं, तो अगर आप कहीं पे भूल भी रहे होंगे कि पहले क्या था दूसरे में क्या था, तो आपको याद आ जाएगा कि ये स्टोरी कैसे चल रही है। और उसके बाद से आपको इस स्टोरी को जाके अपने बुक्स में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद से आपको ये मेरी गारंटी है कि सर्च एंड सीजर में आपको कोई क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर जितना मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।